नमस्कार। इंटरमीडिएट फिजिक्स न्यूमेरिकल सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आप सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग विज्ञान शिक्षक, विज्ञान से जुड़े छात्र छात्राएं इस न्यूमेरिकल सीरीज को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। न्यूमेरिकल सीरीज में मैं आज गतिमान आवेश, मूविंग चार्जेस और चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म की आज मैं बात करने वाला हूँ। पहला मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ आज का कि क्यों आवेश वाला कोई कण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में प्रवेश करता है, इस कण पर लगने वाले बल का मान क्या होगा और कितना होगा। देखिए, एक क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन यूपी बोर्ड में, एनसीईआरटी या सीबीएसई कहीं भी बोर्ड में, कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। लगने वाले बल का सूत्र होता है एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। चूंकि समांतर गति कर रहा है, समांतर गति करने का मतलब है कि थीटा जीरो लगाएंगे, एफ बराबर क्यू वी बी साइन जीरो। साइन जीरो का मान जीरो होगा तो बल का मान भी जीरो हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को इस पे एक और भी बढ़ाकर आ सकता है कि इस कण पर लगने वाले बल का मान कितना होगा और कण का पथ क्या होगा, व्हाट इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल। कण का जो पथ होगा वो रेखीय होगा, हर उस पार्टिकल का पथ रेखीय होगा जिस पर लगने वाला बल शून्य हो। मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि गतिमान आवेश पर बल का सूत्र आप याद कीजिए, एक नंबर का न्यूमेरिकल अनिवार्य रूप से आता भी है। जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स जब तक नहीं होगा जब तक हमें फॉर्मूला याद ना हो। मैंने इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में दिया है कि क्यू आवेश का एक कण v वेग से चलता हुआ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ प्रवेश करता है। पहले क्वेश्चन में समांतर प्रवेश और दूसरे में 30 डिग्री पर आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा। मैंने बताया था कि गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होता है। गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अगर आप फिजिक्स का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको न्यूमेरिकल करने आने चाहिए। अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूले से प्यार होना चाहिए। प्यार मतलब कि इस फॉर्मूले का हमें सब कुछ पता हो कि कौन क्या है। अगर कहते हैं कि भाई ये हमारा फैमिली मेंबर है, रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव नहीं है, फिर भी मेरे फैमिली जैसा है, तो मेरे फैमिली यार होने का मतलब है कि वो मेरी फैमिली के सभी लोगों को जानता होगा, उनके नाम क्या हैं, वो क्या करते हैं, है ना, कैसा उनका बिहेवियर है, वो सब कुछ जानते होंगे। एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा मैं याद कर लूं, रट लूं एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, इससे काम चलने वाला नहीं है। मुझे पता होना चाहिए एफ क्या है। एफ है गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। अगर कोई कण है और वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर कितना बल लग रहा है वो एफ है। F कौन, Q कौन है, आवेश, कण पर आवेश, V कण का वेग, B चुंबकीय क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र जिस चुंबकीय क्षेत्र में वो कण गति कर रहा है, और थीटा कौन है। थीटा हमेशा जिस भी फॉर्मूले की मैं बात करूंगा उसमें जो ये दो राशियां हैं इन दोनों के बीच का कोण होगा। यानी यहाँ क्या है, यहाँ है V और B, यानी V की दिशा और B की दिशा के बीच का कोण। जैसे इस क्वेश्चन में कहा कि वो कण क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर गति कर रहा है, तो यहाँ थीटा 30 डिग्री है और साइन 30 का मान होगा 1/2। इस प्रकार एक हमने याद किया फॉर्मूला एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। समांतर होगा तो बल जीरो होगा, पथ रेखीय है। अगर कण कोण 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री कोई सा भी होगा तो पथ कुंडलीकार होगा, ये इस टाइप का पथ होगा, कुंडलीकार। और अगर इसी क्वेश्चन में मैं 30 डिग्री की जगह 90 डिग्री कर दूं तब क्या होगा, 90 डिग्री में बल तो लगेगा एफ बराबर क्यू वी बी साइन 90, एफ बराबर क्यू वी बी और पथ होगा वृत्ताकार। जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल एफ बराबर क्यू वी बी होगा और उसका पथ वृत्ताकार होगा। एक नए क्वेश्चन की बात करता हूं, फॉर्मूला वही है मेरा, क्या एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ गया तो बच्चों इलेक्ट्रॉन आते के साथ ही आपको उसका आवेश और द्रव्यमान याद हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम।
पॉइंट एक न्यूटन पर एम्पेयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, बी बी हो गया पॉइंट एक। लंबवत, लंबवत का मतलब है थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन 90 और साइन 90 का मान आएगा एक। 10^5 मीटर पर सेकंड की चाल से, चाल हो गई स्मॉल v, इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। गतिमान आवेश पर लगने वाला बल होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। मैंने Q का मान लगाया V का और B का, साइन थीटा का मान होगा एक, यहाँ पर क्या होगा एक। कैलकुलेशन किया और बल का मान निकल कर आ गया मेरे पास, और मात्रक होता है बल का N, N मीन्स न्यूटन। यानी गतिमान तीन क्वेश्चन मैंने किए, तीनों गतिमान आवेश पर आधारित थे और गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। मैं नए क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ सीधे तार के कारण। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता लिखने को कि एक अनंत लंबाई का तार है, उस तार में कुछ धारा बह रही है, उस तार के समीप कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। देखिए कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर रखा होगा पहले से, B बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन आर। ये अनंत लंबे धारावाही तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जब कोई फॉर्मूला हम पहली बार याद करते हैं तो हमें याद करना चाहिए कि उसके एलिमेंट्स कौन कौन है। बी है, बी कौन है, धारावाही तार के समीप किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। म्यू जीरो कौन है, माध्यम की निर्वात की चुंबकशीलता। और म्यू जीरो बटे फोर पाई का एक मान होता है डेफिनेट, वो मान होता है 10^-7। दो एक संख्या है, आई धारा है और आर वो दूरी है बिंदु और तार के बीच की। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। मुझे 2 सेमी दूरी की बात आई, सबसे पहले मैंने 2 सेमी को मीटर बनाना सीखा। 2 सेमी को मीटर बनाऊंगा तो 2 को 100 से भाग करना होगा, और 2 को 100 से भाग करूंगा तो 0.02 आएगा। या तो मैं सेमी को मीटर बनाता हूँ 100 से भाग करके, या करेंगे हम 10^-2 से गुणा, जहां जो सरल हो वो करते हैं। तीव्रता 10^-6 टेस्ला, ये बी हो गया। मैंने मान लगाया फॉर्मूले में बी बराबर म्यू जीरो फोर पाई टू आई अपॉन आर में, बी का मान 10^-6, म्यू जीरो बटे फोर पाई का मान मैंने लगाया 10^-7, 2 की जगह 2, आई मुझे ज्ञात करना है, आर की जगह 0.02, गुणा भाग मैंने किया 0.1 एम्पियर, मेरा माना किया। वृत्ताकार कुंडली के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। किसी 20 सेमी त्रिज्या, देखिए वही बात आई ना, 20 सेमी, सेमी को मीटर बनाऊंगा तो 100 से भाग करूंगा और ये बन जाएगा 0.2 मीटर, त्रिज्या को आर कहते हैं। वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 4 एम्पियर ये आई का मान है भाई, आई बराबर 4 एम्पियर। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। लूप में कोई चक्कर अगर नहीं दे रखा होता है, चक्रों की संख्या को फिर हम 1 मान लेते हैं, और वृत्ताकार लूप या धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो होता है बी बराबर म्यू जीरो एन आई बटे टू आर। आपके सामने है बी बराबर म्यू जीरो एन आई बटे टू आर। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जब एक फॉर्मूला याद करते हैं तो उसमें समय देना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमने डायरेक्ट रट लिया ना। बी कौन है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। म्यू जीरो कौन है, चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू जीरो बटे फोर पाई का मान होता था 10^-7, तो म्यू जीरो का मान क्या आएगा, 4π × 10^-7, याद होना चाहिए। n अगर मुझे नहीं दिया गया है तो 1 लगा देंगे, i की जगह 4, 2, r की जगह 0.2। 0.2 क्यों, 20 की जगह 0.2 क्यों लगाया, क्योंकि 20 सेंटीमीटर में है, और मैं MKS पद्धति की बात करूंगा तो 20/100 0.2 बड़ा भाग किया। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, उसे लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी न्यूमेरिकल का अंत करते हैं तो हमेशा मात्रक, क्योंकि आपको क्वेश्चन में भी मात्रक दे रखे हैं, दूरी काहे में है, धारा किस चीज में है, किसी प्रकार में मात्रक देना जरूरी होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है, किसी धारा लूप का क्षेत्रफल 0.25 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया, एरिया का पहला वर्ड है ए, ये ए की वैल्यू है, उसमें धारा 0.5 एम्पियर है, धारा को आई कहते हैं, लूप का चुंबकीय गुण क्या होगा। देखिए चुंबकीय गुण को कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, और चुंबकीय गुण का फॉर्मूला होता है एम बराबर एन आई ए। एम बराबर एन की जगह मैंने 1 लगाया, आई की जगह 0.5, ए की जगह 0.25, 0.125, और मात्रक देखिए कहाँ से आया, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर,
फॉर्मूला देख लीजिए, एन का कोई मात्रक नहीं, आई का एम्पियर, ए का मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, और ये मान भी कहाँ दे रखे थे, देखो ये रहा, आई का यहाँ दे रखा है 0.5 एम्पियर और ए का ये दे रखा है। तो अगर मात्रक ना भी याद है हमें, तब भी हम फॉर्मूले से जो ऊपर दे रखे होते हैं वहीं से मात्रक बना सकते हैं। बहुत इजी काम है, चुंबकीय आघूर्ण का एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, एम बराबर एन आई ए। अभी तक जितने फॉर्मूलों की बात हुई है, एक दिन में मैं एक चैप्टर की बात करता हूँ, उससे रिलेटेड लगभग कोशिश करते हैं कि सभी फॉर्मूलों पर एक एक न्यूमेरिकल तो आ जाए। आज की बात करेंगे अगले न्यूमेरिकल की, परिनालिका। 2 मीटर लंबी परिनालिका में 1000 फेरे हैं। 2 मीटर लंबी, ये एल हो गया, परिनालिका 1000 फेरे, ये एन है, कैपिटल एन। इसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। मान तो हम ज्ञात कर देंगे, किंतु कब? जब हमें पता हो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू जीरो एन आई बटे एल। सब कुछ वही है जो पहले बताया था। म्यू जीरो का मान लगा दिया 4π × 10⁻⁷। एन का मान 1000 या 10³ में 1000 को कह सकता हूँ। आई का मान 10, एल का मान 2 गुणा भाग किया, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वही होता है हर बार टेस्ला। कम से कम चुंबकीय क्षेत्र का कई मात्रक हो सकते हैं, और एक मात्रक आप याद होना चाहिए आपको, टेस्ला तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। बहुत ये पॉपुलर क्वेश्चन कि 2 लंबे सीधे तार हैं, उनमें 5 एम्पीयर धारा बह रही है। ये 2 तार मैंने लिए और उन दोनों तारों में धारा बह रही है 5 एम्पीयर। ये मुझे नहीं पता कि उन दोनों तारों में धारा एक दिशा में बह रही है या विपरीत दिशा में बह रही है। क्वेश्चन में नहीं दिया गया, पर बह रही है 5 एम्पीयर। I1 भी 5 एम्पीयर है, I2 भी 5 एम्पीयर है, एक दूसरे के समांतर है, 2.5 सेमी दूरी पर रखे हैं। 2.5 सेमी दूरी R का मान है, R बराबर 2.5 × 10⁻²। तारों की 10 सेमी लंबाई पर, 10 सेमी का मतलब क्या है कि 10 को मैं 100 से भाग करने वाला हूं, और 10 को जब मैं 100 से भाग करूंगा तो L बराबर 10 सेमी बराबर 10/100.1 मीटर, यहां L का मान आ जाएगा। देखिए, 2 तारों के बीच बल वैसे भी लिखने को आ जाता है, और एम्पेयर की परिभाषा जब हमने याद की थी तब भी हमने इसी सूत्र का यूज किया होगा, आपको याद होगा। 2 तारों के बीच बल का फॉर्मूला होता है F/L बराबर μ0/4π (2I1I2)/R। जैसा मैं बार बार कहता हूं कि फिजिक्स में फॉर्मूलों से जो प्यार करता है वो फिजिक्स का ज्ञान प्राप्त करता है, और फॉर्मूलों से प्राप्त करने का प्यार करने का मतलब होता है कि कौन क्या है ये पता रखना। F क्या है? 2 तारों के बीच लगने वाला बल। L क्या है? लंबाई जिस पर मुझे बल वो ज्ञात करना है। μ0 चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, और μ0/4π का मान 10⁻⁷, 2 संख्या है। I1 पहले तार में धारा, I2 दूसरे तार में धारा, और R उन दोनों समांतर तारों के बीच की दूरी। अब आप देखिए कि बल होगा, तो मैंने क्यों कहा था शुरू में कि मुझे नहीं पता कि तारों में धारा एक दिशा में है या विपरीत में है। अगर तारों में धारा एक दिशा में होगी तब ये बल आकर्षण का होगा, अट्रैक्शन का होगा। अगर तारों में धारा विपरीत दिशा में होगी तब ये बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण का होगा, रिपल्शन का होगा। इस फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ। मैंने एफ का मान मुझे ज्ञात करना है, एल का मान मैंने 0.1 लगाया, μ0/4π का मान 10⁻². 2 I1 I2 का मान लगाए, कैलकुलेशन के वैल्यूज आ गई। बल का मात्रक होता है एन, मतलब न्यूटन। और यहाँ नीचे एक लाइन हम अगर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि यदि ये धाराएं एक दिशा में हैं तब ये बल आकर्षण का होगा, और अगर ये धाराएं विपरीत दिशा में हैं तब यह बल प्रतिकर्षण का होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, अर्थात n की वैल्यू है ये n = 100। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेमी है। 8 सेमी को त्रिज्या को मैं 8 से व्यक्त करूंगा, और सेमी को मैं गुणा करता हूं 10⁻²। मैं क्या सभी करते हैं, फॉर्मूला है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 × 10⁻², आर की वैल्यू आ गई। इनमें 0.4 एम्पियर की धारा बह रही है, ये आई का मान हो गया।
कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? ज्यादा समय मैं नहीं लगाऊंगा। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला पहले चूंकि मैं बता चुका हूं, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होगा बी बराबर म्यू जीरो एन आई बटे टू आर। बी का मान बी मुझे ज्ञात करना है, म्यू जीरो का मान 4 पाई इंटू 10^-7, एन का मान 100, आई की वैल्यू लगाया 2, आर का मान लगाया और इस प्रकार मेरा आंसर आ गया इतने टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होगा या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी इसका दूसरा मात्रक है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। एक सीधे तार का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है, वो पीछे के न्यूमेरिकल ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, संख्या बदल दी है। एक लंबे तार में 35 एम्पियर धारा है, आई बराबर 35 एम्पियर। तार से 20 सेमी दूरी पर आर बराबर 20 सेमी, 20 को मैं 100 से भाग करूंगा 0.2 मीटर, बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? देखिए तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है बी बराबर म्यू जीरो बटे 4π 2i/r। बी मुझे ज्ञात करना है, म्यू जीरो बटे 4π का मान 10^-7, 2, आई की जगह 35, आर का मान 0.2 और मैंने गुणा भाग किया, आंसर आ गया। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बार बार बता रहा हूँ क्या है, टेस्ला। और चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक तार जिसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ये आई का मान है, आई बराबर 8 एम्पियर, 0.15 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी कहते हैं, बी फॉर बैट, 0.15 टेस्ला, मात्रक से भी पहचान हो जाती है कभी कभी टेस्ला है तो चुंबकीय क्षेत्र ही होगा। क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये थीटा है, इसकी एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई का मतलब है एल बराबर 1, एकांक लंबाई एल बराबर 1 मीटर पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए धारावाही चालक पर लगने वाले बल का एक फॉर्मूला होता है, वो अलग से लिखने को भी आ जाता है कभी कभी, वो होता है एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा, एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा। मैंने जैसे बताया था कि यहाँ थीटा क्या है, इसी फॉर्मूले में लिखा होगा थीटा जो धारा बहती है चालक में बह रही है, इनके बीच का कोण है। मैंने मान लगाया बी का, आई का, एल का, थीटा साइन 30, साइन 30 का मान होता है हमेशा 1/2, मैंने 1/2 लगाया, आंसर किया बल का मात्रक होता है न्यूटन। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करूंगा। आशा है आपको न्यूमेरिकल सीरीज पसंद आ रही है और अच्छा ही आपको लगेगा।